नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीबीएन 24 न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइरस डालते हैं बेगूसराय यानी कि बिहार की एक खबर पर। बेगूसराय में पूर्णिमा दिवस पर गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबने से एक विवाहिता समेत दो लोगों की मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही गंगा घाट पर उपस्थित श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई, तो वहीं दूसरी तरफ घाट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना जिले के सायपुर कमाल थाना अंतर्गत छर्रा पाटी घाट एवं चकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया गंगा घाट की है। सिमरिया गंगा घाट से गंगा में डूबे मृतिका की पहचान जमुई जिले के खैरा थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 4 केबाल फरियाता निवासी मनोज रजक की लगभग 35 वर्षीय पत्नी सोनिया देवी, जबकि नवादा जिले के कुआकोल थाना अंतर्गत गुआ घोगरा गाँव निवासी कुलदीप रजक की पुत्री थी। वहीं दूसरी तरफ सायपुर कमाल थाना के छर्रा पाटी घाट पर डूबे लगभग 18 वर्षीय मृतक निखिल कुमार सुपौल जिला की त्रिवेणीगंज थाना अंतर्गत त्रिवेणीगंज निवासी प्रमोद चौधरी के पुत्र थे। परिजनों ने बताया कि पूर्णिमा के पवित्र दिवस पर गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। फिलहाल मौत की सूचना पाकर अलग अलग संबंधित थाना की पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जबकि इस समय मौत से घर वालों में कोहराम मच गया है। क्या घटना हुई है? ये गंगा जी नहाने आया सर, इसीलिए मृत्यु हो गई है। कैसे? हम लोग नहीं जानता, डूबने से मौत हो गया। कैसे? गंगा जी डूबने से मौत हो गया। क्या था आज? आज कैसे पूर्णिमा दिन था। यहाँ क्या करने आए थे? भाई नहाने आया गंगा जी। अब कैसे मतलब पता चला कि डूब गए हैं? हमको कोई आदमी फोन किया था तब पता चला। कैसे? बंगाल में था सर। आप बंगाल में थे? कौन है आपकी? मेरा पत्नी है। क्या नाम है उनका? सोनिया देवी है। कितना उम्र होगा लगभग? 35 होगा। उनके पति का नाम? 40 होगा। 40। पति का नाम क्या है? पति का नाम रजक। रजक। घर कहाँ हुआ? कवर फरीता घर हुआ। कौन जिला पड़ता है? खेरा थाना पड़ता है। जिला? जिला हो गया कवाल जमुई। आई कहाँ ही रहते थे? भाई स्नान करने आया था मैं। कैसे घटना हुआ? कहाँ? आपके घर से आई थी स्नान करने या कहीं नहर से? नहर से आया। नहर कहाँ हुआ? नहर हुआ घोड़ा हुआ कौन थाना। कौन जिला पड़ता है? कौन थाना पड़ता है। जिला कौन पड़ता है? जिला एक बार नवादा होगा जिला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज के साथ।